असलम एवरीवान आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है uh, जी तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्टोर शेयर करने लगी हूँ कैनाडा में ये स्टोर है जिसकी आप लोग बहुत कम कई लोग जानते होंगे क्योंकि वॉलमार्ट और कॉस्को से तो हर कोई वाकिफ है लेकिन इस स्टोर का नाम है बल्कपान और यह नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड है लेकिन ये बिल्कुल कॉस्को की तरह नहीं है यहाँ पर जो है ना सब कुछ पैकेजिंग के बगैर मिलता है और ये ऑल्सो मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट स्टोर है इसलिए क्योंकि जब भी मुझे कोई केक की या बेकिंग की या केक डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए होती है मुझे इजीली सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे जैसा कि कि आप देख सकते हो कि पे आलमंड्स नट्स सब तरह के नट्स हैं और ये सब प्राइजेस जो लिखी हुई है ये भी लिखी हुई है उसमें एलबीज में है ये और यहाँ से हम लोगों को कुछ भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफी बड़ी पैक होती है जो बाहर से हम लेने जाते हैं पैकेजिंग वगैरह और अक्सर चीज़ हम थोड़ी सी यूज़ करनी होती है उसके बाद जब पड़ी रहती है तो वो खराब हो जाती है लाइक उनमें जो है ना वो उसमें सॉगीनेस आ जाती है लेकिन यहाँ पे ये है कि फिर जितनी चाहिए उतना लोग ले लेते हैं कभी आलमंड्स डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत चाहिए कट आलमंड्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे सब बेकिंग की चीजें भी हैं और केक के ट्रेस एंड और... पैंस एंड एवरी थिंग सब साइज़ के अवेलेबल हैं ईज़िली सो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है और ये है कि वैसे भी विंडो शॉपिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है और पर विंडो शॉपिंग होती नहीं यूजली कुछ ना कुछ साथ में ले आते हैं और यहाँ पर आप लोग साथ में जैसे चॉकलेट्स हैं मेल्टेड चॉकलेट्स ये भी और ओट फ्लावर और डिफरेंट जो है ना ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स भी मिलते हैं जो है ओट का ये मेरा फेवरेट है इसकी मैं रोटी बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है बनाना लेकिन अगर आप लोग कोगे इंटरेस्टेड हो गए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इसकी जो है ना कैसे बनाती हूँ यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ अगेन मेरे बहुत काम आती है केक जो है वो आइसिंग बनाने के लिए और ये पास में टैग्स भी होते हैं आप उसके ऊपर लिख लो जो भी आप चीज ले रहे हो क्योंकि अक्सर कैशियर्स को पता नहीं चलता क्योंकि काफी आ, उनका जो है ना टेक्सचर वाइट जो होती हैं चीजें सेम लग रहा होता है तो है उस पर आप लिख के और टैग लगा लो डिफरेंट variety ऑफ कैंडल्स भी है काफ़ी क्यूट क्यूट सी भी कैंडल्स हैं यूनिकॉर्न donuts और आ, मुझे अक्सर जो है ना केक की जो जो भी बर्थडे थीम होती है उसके हिसाब से सब कुछ मिल जाता है लेकिन क्योंकि यूजली मैं केक ऐसा बनाती हूँ उसमें मुझे ये वाली कैंडल्स इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है simple केक हो तो उसके ऊपर अच्छी लगती हैं ये जो आप देख रहे हो ये हैं कैंडीज़ और ये मैं अक्सर जो है ना टेबल डेकोरेशन के लिए बर्थडेज़ पर यहाँ से ही बाई करती हूँ और डिफरेंट कलर्स थीम के साथ मैच भी हो जाती है। तक, हैं काफ़ी हद तक काफ़ी कलर्स हैं इधर तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगती हैं जी तो यहाँ पे ये वाली सारी बल्क में कैंडीज़ भी मिल जाती हैं चॉकलेट्स भी मिल जाती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये वाले जो हैं अक्सर मैं बच्चों को क्योंकि यूजली वैसे कैंडीज़ देने के हक़ में नहीं हूँ लेकिन बर्थडेस क्योंकि स्पेशल डे होता है तो फिर मैं उसके लिए जो है ना उनके गुड़ी बैग्स के लिए और इस तरह यहाँ से जो है हम लोग ले लेते हैं बट ऑफकोर्स हम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है हलाल का हर इतने ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ हैं जो कि हलाल हैं बाकी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो गमीज़ हैं वो हलाल नहीं होती हैं तो बल्कि यूजली गमीज़ बिल्कुल हलाल नहीं होती हैं जो यहाँ मतलब इन स्टोर से मिलती हैं उनमें जेलेटिन होता है तो वो तो श्योर हलाल नहीं होती हैं तो खैर है, हम लोग फिर ये जो है ना यहाँ से कैंडीज़ ले, ले लेते हैं अब बच्चों को भी माशाल्लाह पता चल गया हुआ है तो वो भी बड़ा वो क्योंकि बच्चों को कैसे वो यू नो कैंडीज देख के क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कितनी टम्पटेशन होती हैं उनको लेकिन ये है कि जैसे पर बच्चे अब इतना उनको पता है कि हलाल वो जो मेरा छोटा बेटा है उसको भी इतना नहीं है पर वो भी अब देख देख के ना करने लगे गया मम्मा ये हलाल है मम्मा हम ये ले सकते हैं तो स्टोर में जब पहले पूछते हैं सबसे पहले उनका सवाल मामा ये हलाल है हम ले सकते हैं यहाँ पे रहते हुए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को हलाल हराम में फर्क दिखा सकें लेकिन अक्सर पाकिस्तान में तो है ये चीज़ तो कभी सुनाई भी नहीं होती थी लेकिन जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो मैंने वहाँ पे बच्चों के जो पाउचेस और बेबी फूड होता है ना वो मैंने वहाँ पे देखा था जो कि यूके से इम्पोर्ट था और उसमें चिकन और ये सब कुछ था तो मैं उस टाइम पे जब पाकिस्तान गई थी मैं सुबहान को देती होती थी पर मैं और सिर्फ वेजी या फ्रूट्स देती थी तो जब मैंने वहाँ पे देखा मैंने कहा यार ये यहाँ इसमें चिकन भी लिखा हुआ है जब मैंने पढ़ा तो वो बिल्कुल यूके से था हाँ अगर लाइक मुस्लिम कंट्री से आया हो तो वो ऑब्वियसली सी बात है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो सो so, आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी ये प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं क्योंकि पता है कि इस्लामिक मुल्क है यहाँ पर हराम मिल ही नहीं सकता तो वो इस चक्कर में ले भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं पड़ते हैं तो ये है चीज़ और मेरे ख्याल से मैं ये सोचती हूँ बच्चों को स्टार्ट से ही हर हराम का फ़र्क बताना चाहिए एज अ पेरेंट हम लोगों का फर्ज बनता है बच्चों को बताना लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा झिझकते हैं स्पेशली हम पाकिस्तानी हम चीज़ें जो चीज़ें वाकई हराम हैं हलाल हैं उनका डिफरेंस नहीं बता पाते हैं हम जैसे यू नो स्मोकिंग स्मोकिंग्कोहल ड्रग्स इस बारे में बच्चों से बात ही नहीं करते हम करना ही नहीं चाहते इस बारे में बात ना बच्चों से कि बड़ा हम लोगों को ऑकवर्ड सा टॉपिक लगता है जबकि अगर बचपन से ही बच्चों के माइंड में चीज़ डाली जाए जैसे बच्चों को पता है कि यार ये हराम है हम नहीं खा सकते हैं ठीक है तो वो उनका पक्का हो जाता है इसी तरह अगर बचपन से ही बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं उनकी जब समझ की थोड़ी सी स्टेज आ जाए तो उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए उनको बताना चाहिए कि बेटा ड्रग्स अल्कोहल स्मोकिंग ये सब कुछ हराम है नहीं अच्छा है हमारे इस्लाम में समझते हैं बाकी चलो अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है लेकिन अपनी तरफ से तो हर पेरेंट अच्छी कोशिश करता है अच्छा मैंने टॉपिक पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गई हूँ मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ जब बच्चों की इस तरह की बात होती है मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ हर पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है बाकी क्या हालात होते हैं क्या कुछ होता है कोई भी कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई गलत काम में पड़े या गलत उस आदतों में पड़े बाकी अल्लाह सब बच्चों को महफूज रखे अच्छा तो अब मैं आप लोगों को चलो अब आगे दिखाती हूँ यहाँ पे हम लोग जो हैं ये सारी कैंडीज़ वग़ैरह ये भी मैंने जो है ना बाई की थी ये भी मैं डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करती हूँ और यहाँ पर जो है ना मसाले जो भी स्पाइसिस होते हैं वो भी सारे आराम से मिल जाते हैं बल्कि कुछ स्पाइसिस जो आपको नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिलते बलगवान में काफ़ी हद तक अवेलेबल होते हैं तो वो भी काफ़ी मिल जाता है और बच्चों की जो है ना कैंडीज़ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो ये ये जो वाली होती हैं का वॉलमार्ट या इस तरह के डिफ, डिफरेंट स्टोर से नहीं मिलती हैं ये भी मुझे यहाँ से मिल जाती हैं और ये जरा थोड़ी स्पेशल किस्म की होती है चाहे इसकी कैंडीज़ इनमें इतनी मज़े की ना हो लेकिन बच्चों को वो उनका डिज़ाइन शेप जो है ना इंटरेस्टिंग लगता है सो so, ये भी मैं बच्चों के लिए ले रही थी ये लॉलीपॉप्स हैं टेलीफोन शेप में बनी हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट तो ये हम लोगों की बर्ग बान की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और इसके बाद हम हम लोग घर जाएंगे एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाफ